स्टूडेंट्स, मैं कीर्ति परोहा कक्षा 12वीं के जनरल इंग्लिश की क्लास में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे डिज़ाइनिंग पोस्टर्स। डिज़ाइनिंग पोस्टर्स आप सब बहुत अच्छे से जानते होंगे, आपने देखा है कि कोई भी प्रोडक्ट की जब बिक्री होती है तो उसके पहले उसका क्या किया जाता है, प्रचार प्रसार किया जाता है, और किसी भी चीज़ को प्रचार और प्रसार करने के लिए उसके पोस्टर बनाए जाते हैं। आप सब देखते होंगे बड़े बड़े होर्डिंग्स में लोग अपने जो कंपनीज़ हैं, जो सरकारी नियम हैं, उनके बारे में जानकारी देने के लिए पोस्टर बनाए जाते हैं। तो वो कैसे बनाए जाते हैं, इसका अध्ययन हम करेंगे, और ये आपके सेक्शन बी राइटिंग सेक्शन के अंतर्गत आता है। जो पोस्टर आएंगे वो आपके 5 मार्क्स के होंगे। तो चलिए इसके बारे में अपन अध्ययन करते हैं। डिज़ाइनिंग पोस्टर। अ पोस्टर इज़ अ नोटिस, एन एडवर्टीजमेंट, एन इन्विटेशन, ऑल इन वन। It is very useful means of making any announcement or appeal, advertising a product or creating awareness on any issue of public interest. Posters are extensively used by advertising agencies, cinema industry, political parties, event organizer, NGO central and state government department like health and family welfare department, पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन एजेंसीज एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट एट्सेट्रा। पोस्टर जो है एक प्रकार की सूचना होती है, एक प्रकार का विज्ञापन होता है, एक प्रकार का निमंत्रण या इनविटेशन होता है, इसमें सब कुछ समाहित है। और ये किसी भी चीज़ को प्रचारित और प्रसारित करने का बहुत ही यूजफुल माध्यम है। इसके माध्यम से हम किसी भी पब्लिक इंटरेस्ट के बारे में जनता को अवेयर करने के लिए, सिनेमा फिल्म जगत के लिए, राजनीतिक पार्टियां, इवेंट ऑर्गेनाइजेशन जो विभिन्न प्रकार की विधाओं का आयोजन करते हैं, एनजीओ, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जैसे कि हमारा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण डिपार्टमेंट है, पब्लिक रिलेशनशिप से जो भी डिपार्टमेंट रिलेटेड हैं वो, साथ ही साथ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, पर्यावरण का संरक्षण और उसका संरक्षण के लिए जो है इसके प्रकार के पोस्टर की आवश्यकता महसूस होती है। साथ ही साथ एजुकेशन डिपार्टमेंट यानी हमारे शिक्षा जगत में भी इसकी आवश्यकता बहुत महसूस होती है, क्योंकि इन पोस्टर के माध्यम से हम सारी जनता को जागरूक करते हैं। हिंट्स फॉर डिजाइनिंग अ पोस्टर। अब किसी पोस्टर को बनाने के लिए क्या क्या हिंट, मतलब क्या क्या हमको ध्यान देना चाहिए कि पोस्टर आकर्षित बने और इंटरेस्टिंग बने, तो इसके लिए ब्रीफ कम्युनिकेशन होना चाहिए, इंटरेस्टिंग विजुअल, कैची पंच लाइन मैसेज, attractive design and bold or capital letter are 5 important features of a good poster. तो एक अच्छे पोस्टर में कौन कौन सी बातें होना चाहिए, ब्रीफ कम्युनिकेशन मतलब जो संवाद हो, जो संचार हो वो बहुत ही ब्रीफ होना चाहिए, इंटरेस्टिंग विजुअल और जो भी आप इसमें चित्र या पिक्चर आप उसमें बनाते हैं, कोई डायग्राम बनाते हैं वो कैसा होना चाहिए, इंटरेस्टिंग आकर्षित करने वाला हो, कैची पंच लाइन इसमें जो हम लाइन दे रहे हैं, जो स्लोगन दे रहे हैं, जो मोटो दे रहे हैं वो कैसे होना चाहिए, बहुत ही जल्दी हमारे इसमें दिमाग में कैच होने वाले हों। अट्रैक्टिव डिज़ाइन, इसकी डिज़ाइन कैसी होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, सुंदर ढंग से बनाया हुआ होना चाहिए, बोल्ड और कैपिटल लेटर्स में लिखा जाना चाहिए। ये 5 प्रकार के लक्षण हैं जो एक अच्छे पोस्टर में होते हैं। क्योंकि देखिए, अगर आप सीधे सीधे हमने बोला स्कूल चलें हम, इतना लिखना है कोई बच्चा छूट ना पाए, हर बच्चा स्कूल जाए, अगर हम सीधे सीधे 2 लाइन में लिख के उसको छोड़ देंगे और कहीं उसको पोस्टर के उसमें लगा देंगे तो लोग ज़्यादातर ध्यान नहीं देंगे। यदि हम उसको बहुत अच्छे से डायग्राम बनाते हुए, बच्चे का डायग्राम बना दिया, उसमें हमने शिक्षा से संबंधित सामग्री बना दी, उसको अच्छे कलरफुल उसमें किया, तो हर जाते हुए व्यक्ति का, आते जाते व्यक्ति का ध्यान वहाँ आकर्षित होगा और वो उस पोस्टर को पढ़ेगा। और हमारे पोस्टर बनाने का उद्देश्य भी ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उस बात, उन लोगों तक पहुँचा सकें। फॉर्मेट ऑफ अ पोस्टर। एक पोस्टर में क्या क्या फॉर्मेट होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें समाहित होना चाहिए, नेम ऑफ द इशूइंग एजेंसी, कौन सी एजेंसी इसको इशू कर रही है, कौन बनाना चाह रहा है, ऑर्गेनाइजेशन कोई ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है, संगठन भी हो सकता है, डिपार्टमेंट कोई विभाग भी हो सकता है, जो भी है उनको या तो हमको शुरू में लिखना चाहिए और इन द एंड या फिर आखिरी में लिखना चाहिए। इसमें और कौन कौन से पॉइंट होना चाहिए, तो थीम मतलब उसकी क्या थीम है, उसके बारे में हम क्या संबंध रख रहे हैं, टॉपिक विषय क्या है, इवेंट वो घटना क्या है, पर्पज़ क्या है, क्या उद्देश्य है उसका, ओकेजन किस ओकेजन के लिए, किस आयोजन के लिए हम उसको यूज़ कर रहे हैं,
फिर गेस्ट या स्पेशल अट्रैक्शन इफ़ एनी, अगर उससे संबंधित जैसे हम किसी को इनविटेशन दे रहे हैं तो उसमें कौन से हमारे मुख्य अतिथि हैं उनके बारे में वर्णन होना चाहिए। डेट टाइम प्लेस और वेन्यू, उस दिन का दिनांक समय उस जगह का नाम और वहाँ पे क्या है। अ मैसेज ऑफ अपील अवेयरनेस कॉशन इनविटेशन एक्शन टू बी टेकन। अब पोस्टर के अंतर्गत हम क्या क्या बताएंगे, कोई अपील कर सकते हैं हम किसी के बारे में, कोई हमसे कोई विनम्रतापूर्वक आग्रह कर सकते हैं, अवेयरनेस जागरूक करने के लिए, कॉशन किसी चीज़ को सावधान करने के लिए, इनविटेशन किसी चीज़ को इनवाइट या निमंत्रित करने के लिए, एक्शन टू बी टेकन कौन कौन सी क्रियाविधि हम करने जा रहे हैं उसको ध्यान रखा जाता है। फिर है स्लोगन कैची कैपिटल पंचलाइन, इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं स्लोगन यानी जो नारे जो मोटो हम देते हैं, या कोई पंचलाइन जो एकदम से आकर्षित कर लेती है जैसे अटरली बटरली डिलीशियस अमूल, तो ये शब्द जो हैं जो लोगों के इसमें बहुत आसानी से आ जाते हैं और लोग उसको याद कर लेते हैं। नेम एंड सिग्नेचर ऑफ द इंडिविजुअल, और जो इस पोस्टर को बना रहा उसका नाम और उसका साइन। चलिए बच्चों, इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए आज हम दो पोस्टर के यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे जिसको आपको नोटबुक में नोट करना है और अच्छे से लर्न करना है। तो पहला क्वेश्चन है, डिज़ाइन एंड अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव पोस्टर अगेंस्ट द यूज़ ऑफ ड्रग्स, मतलब एक अच्छा इफेक्टिव और आकर्षित पोस्टर बनाइए किसके लिए, अगेंस्ट द यूज़ ऑफ ड्रग्स, जो मादक पदार्थ हैं जो ड्रग्स नशीली दवाएं हैं उनके विरुद्ध जागरूक करने हेतु एक हमें पोस्टर बनाना है। तो देखते हैं इसका आंसर। तो इस प्रकार का जब हम पोस्टर बनाएंगे तो हमको पहले ये ध्यान रखना है कि ये बहुत डिफाइन होना चाहिए और इसको आकर्षित बनाने के लिए हम इसके चारों ओर एक अच्छी बॉर्डर लाइन खींच सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये जो हो एक ही पेज के अंतर्गत आना चाहिए, ऐसा ना हो कि आपने आधा पोस्टर एक पेज में बनाया और दूसरा आधा उसका दूसरा पार्ट दूसरे उसमें दिया, ये नहीं होना चाहिए। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले चूंकि हमको जागरूक वाला बनाना है तो इसको हमको कैसा लेना चाहिए कि पहले हमको इसको बोल्ड लेटर्स में लिखना है। कैसे लिखना है, ऐसी चीज़ लिखो जो पढ़ने वाले के मन में सीधे क्या करे, असर करे। जैसे डू यू लव योर सेल्फ एंड योर फैमिली, क्या आप अपने आप को प्यार करते हैं, क्या आप अपनी परिवार को प्यार करते हैं, यदि हाँ से नो टू ड्रग्स, तो आप नशीली दवाओं को मना करिए, नशीली दवाओं का सेवन मत करिए। अब क्यों ना करिए, तो हमने क्या लिखा नीचे इसमें, मैसेज लाइन क्या दी, पंच लाइन क्या दी, ड्रग्स लीड टू डिस्ट्रक्शन, नशा हमें कहाँ ले जाता है, विनाश की ओर। तो इस प्रकार के जो पोस्टर आप बनाएंगे तो देख रहे हैं आप इसमें पहले क्या कर रहे हैं, इसको जागरूक कर रहे हैं, फिर अपना संदेश दे रहे हैं से नो टू ड्रग्स, और इसके बाद हम उसको एक पंच लाइन क्या दे रहे हैं, ड्रग्स लीड टू डिस्ट्रक्शन, यानी नशा हमें कहाँ ले जाता है, विनाश की ओर। तो इस प्रकार से हमको एक, हम अगले पोस्टर को देखते हैं जो कि लोगों को वार्न करने के लिए होता है। तो क्वेश्चन है, डिज़ाइन एंड अट्रैक्टिव एंड इंस्ट्रक्टिव पोस्टर, इंस्ट्रक्टिव मतलब आदेशात्मक, कुछ हम उनको इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं, ऑन बिहाफ ऑफ जबलपुर पुलिस टू एजुकेट एंड वार्न द पीपल अगेंस्ट अनक्लेम्ड आर्टिकल्स लाइक डॉल्स टिफिन बॉक्सेस सूटकेसेस बैग्स ट्रांजिस्टर्स मोबाइल लिंग इन पब्लिक प्लेस पब्लिक ट्रेन और बसेस। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं बच्चों। सबसे पहले वही करेंगे कि हम एक पेज में इसको डिज़ाइन करेंगे, इसके चारों तरफ कोई बॉर्डर लाइन बना सकते हैं आप, इसको कलरफुल पेन से भी आप लिख सकते हैं। आप जैसे बॉम ब्लास्ट का है तो यहाँ पर हमने बम का भी सीन यहाँ पर लगा के रखा हुआ, आप उसको अपने पेन से ड्रॉ भी कर सकते हैं। तो आंसर है, इफ़ यू आर अलर्ट यू कैन अवर्ट, यदि आप जागरूक हैं तो आप बचे हुए हैं, किससे, बॉम ब्लास्ट से, क्या है, इफ यू नोटिस एनी अनक्लेम्ड, यहाँ पर अनक्लेम्ड में स्पेलिंग आप लिख लीजिए UNCLAIMED, अगर आप कुछ चीज़ों को देखते हैं, किन चीज़ों को देखते हैं, ब्रीफ केस डॉल टिफिन बॉक्स ट्रांजिस्टर, कहाँ कहाँ देखते हैं आप ऐसी चीज़ें, अपने घर में देखेंगे तो आपके सिक्योर हैं, तो कहाँ देखते हैं आप, इन अ पब्लिक प्लेस ट्रेन और बस, कहाँ कहाँ आप देख रहे हैं इन सारी चीज़ों को, पब्लिक प्लेस यानी सार्वजनिक स्थानों पर, रेल में बस में, ऐसी किसी भी जगह अगर आप इन ऐसी चीज़ों को देखते हैं जिनका कोई वारिस नहीं है या लावारिस पड़ी रहती है ऐसी चीज़ें, इमीडिएटली कॉन्टैक्ट नियरेस्ट, तुरंत ही संपर्क करें, नियरेस्ट यानी पास के, पुलिस स्टेशन में, और
डायल 100, अगर आप संपर्क नहीं कर सकते तो आप डायल 100 पर फोन करें अगर आप कुछ इस प्रकार की चीज़ें देखते हैं। हेल्प जबलपुर पुलिस, वी विल हेल्प यू, जबलपुर पुलिस की मदद करिए, हम आपकी मदद करेंगे। तो बच्चों, इस प्रकार से पोस्टर डिज़ाइन होती हैं और इस प्रकार के अनेक पोस्टर हैं जो आपको आगे आने वाले वीडियोस में हम समझाएंगे। तब तक आप इन दो पोस्टर्स को बहुत अच्छे से लिखिए, बनाइए और इसको लर्न करिए। थैंक यू बच्चों, कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं।